खबर फरुखाबाद से बुलडोजर ने एक दर्जन से अधिक मकानों को किया था धराशायी। सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खबर को पोस्ट कर जताया खेद। जिला प्रशासन ने करीब दो दर्जन परिवारों के मकानों को जमींदोज कर उन्हें किया था बेघर। सपा प्रमुख के पोस्ट करने के बाद समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल पीड़ितों से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ितों को न्याय का दिया भरोसा, न्याय उचित नहीं हुई कार्यवाही तो सपा करेगी प्रदर्शन। थाना नवाबगंज क्षेत्र के उखरा गांव में मकान को किया गया था जमींदोज। होने की वजह से जो पास हम जाते कह रहे थे बंद कर दें, तो इंसानियत की भावना तो होनी चाहिए कि यादव आप देख रहे हो, कम से कम इंसानियत की भावना को तो जिंदा रखो। शासन की मजबूरी थी उनका, भाई मेरे बाल बच्चे हैं, हम कहाँ के जाएं। डीएम साहब नवाबगंज थाने में बैठे रहे, यहाँ नहीं आए। उन्होंने कहा जो भी डीएम साहब थे कि तुम्हें नौकरी देनी है, वहाँ जाना है। जब ये बात कही तब वो यहाँ आए, तब आए। हाँ, उनको तलब किया जाए, कोर्ट में ले जाया जाए, अभी कबूल लेंगे वो खुद उनकी नौकरी। सामान पड़ा है कुछ निकाल ले लो, सामान भी लेंगे वो लोग, सामान भी ले गए, सामान दबा दिया इसी में, दबा दिया, निकालने नहीं दिया, निकालने का समय नहीं दिया। निकाले उठाने कहाँ जाए, मर जाएंगे, रुक जाएंगे। जमीन प्रक्रिया चल रही थी, जमीन लेना भी लगा मेरा 50 कल आए जी, पैसा तो 56 लाख रुपए, 56 कह रहे थे। चलो देखते हैं, गांव तो ऐसे ही आबादी है, ग्राम समाज में बसते हैं, या चेंज कराएंगे या अभी पीछे और है दिया गया मैं को उसके जैसे भी कर जो। देखिए, तकरीबन 29 घरों को नेस नाबूद कर दिया इस आतताई सरकार ने। इतना समय नहीं दिया कि ये गांव वाले अपना गेहूं, अपना गल्ला निकाल सकें। यहां तक कि इस 29 घरों में एक घर वो भी है जो सरकारी आवास था। जब सरकारी आवास था तो उसे क्यों गिराया? वो विधवा औरत। जब वो सरकारी आवास था तो मानकों से होगा। अगर सरकारी आवास भी मानकों से नहीं होते हैं तो फिर इस सरकार में फिर ये निर्दयी सरकार कही जाएगी। आज ये गरीब जिस घर में हम खड़े हैं, इस घर में एक बिटिया की शादी होने वाली है, नवम्बर में विवाह है, घर तोड़ दिया, सामान उसके अंदर दब गया। लोग यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि दहेज का बहुत सा सामान जिसे जो मिला वो ले गए। एक मकान के अंदर से किसी बछड़े की बदबू आ रही है। इतना समय नहीं दिया कि वो खाने पीने का सामान निकाल लें, ऐसा क्या कसूर था? मैं भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या इन ग्रामीणों का कसूर था जो आपने इतनी निर्दयता करी? एक नोटिस नहीं दिया, एक कोई सूचना नहीं दी, एकदम ये सब कार्रवाई होना शुरू हो गई। ये कार्रवाई केवल इसलिए हुई है कि ये जितने भी परिवार हैं ये पीडीए परिवार हैं, और ये पीडीए वही परिवार हैं जिन परिवारों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को लोकसभा में एक अच्छे नेतृत्व के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बना के भेजा, और यही दुर्भावना के साथ, इसी दुर्भावना के चलते इनके साथ ऐसा किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत गलत है और बहुत निंदनीय है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सभी लोग इस लड़ाई को हर संभव तरीके से, और जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे, और इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस पूरे गरीब परिवारों के साथ हैं, इनके दुख में साथ हैं, इनके समर्पण में साथ हैं, इनके लिए साथ हैं। ये लोग कभी अपने आप को अकेले ना समझें, ये मेरा आप सबसे कहना है।